स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे को नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ से आज मैं यात्रा करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 12592 यशवंतपुर गोरखपुर राप्ति सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। और आज ये यात्रा होने वाली है फर्स्ट एसी में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर राप्ती सागर। इससे पहले यात्रा शुरू करें आइए देख लेते हैं इकोनॉमी 3 AC अंदर से कैसा है। तो ये है इकोनॉमी 3 AC। काफ़ी कंजेस्टेड फील हो रहा है, जबकि किराए में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, केवल 80 रुपये का फ़र्क है, पर सीटें देख करके लग रहा है कि काफ़ी कंजेस्टेड है। इससे बढ़िया कि आदमी 3 AC में टिकट करा ले। बस एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर हर सीट के लिए इंटीग्रेटेड एयर कंडीशनर दिया हुआ है। ये देखिए कुछ ऐसा है ये कोच का इंटीरियर। सभी सीट्स के लिए एक एक AC वेंट दिया हुआ है। ये है साइड लोअर। तो चलिए, इसकी आपने बहुत सारी जर्नीज देख ली होंगी, अब चलते हैं अपने कोच की तरफ, यानी AC फर्स्ट क्लास। राप्ती सागर में पिछले 10-12 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैक्सिमम यात्रा मैंने इसके स्लीपर या 3 टायर में किया है। कुछ दिनों से, जब से अभी कोविड के बाद से इसमें फर्स्ट AC इंट्रोड्यूस होने लगा है। तो ये है कुछ फर्स्ट AC का इंटीरियर, ये कुछ ऐसा दिखता है, साफ है। पूरी ट्रेन के कंपैरिजन में देखा जाए तो फर्स्ट AC का इंटीरियर बहुत ही साफ है। ये है 2 लोगों का कूप, जिसमें 2 लोग आराम से रह सकते हैं और जर्नी को आराम से इंजॉय कर सकते हैं। आज हमारी ट्रेन को हॉल करेगा WAP 7 सीरीज का लोकोमोटिव। तो चलिए, ये मैंने आपको दिखा दिया इंजन, अब यही इंजन हमें हॉल करने वाला है ऑल द वे। समय हो चला है डिपार्चर का और हम चल पड़े हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए ला रहा हूँ सिकंदराबाद तक की जर्नी, इसके बाद हम देखेंगे सिकंदराबाद से भोपाल तक की जर्नी, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे भोपाल से लखनऊ तक की यात्रा। यशवंतपुर से डिपार्ट हो रही है और ट्रैक साउंड बहुत ही ऑसम है, आप इसको आराम से सुन सकते हैं, ट्रैक साउंड बिल्कुल क्लियर आ रहा है। सामान्य तौर पर ट्रेन राइट टाइम ही रहती है, पर एक जमाना था जब ये ट्रेन 10-10, 12-12 घंटे लेट हो जाया करती थी। पर कमाल की बात तो यह है कि यशवंतपुर गोरखपुर राप्ती सागर एक्सप्रेस भी अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। जैसी ट्रेन भोपाल क्रॉस करेगी 130 की रफ्तार को छुएगी, जब हम इस वीडियो में शायद देख सकेंगे कि ट्रेन की रफ्तार कितनी है। बात करें पुराने समय की, तो ये ट्रेन बेंगलोर सिटी से गोरखपुर के लिए डिपार्ट हुआ करती थी, पर काफ़ी समय से इसको यशवंतपुर से डिपार्चर मिलता है। अब इसके शेड्यूल में भी टाइम टाइम पर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो ये कर्विंग ले रही है, ये रूट जा रहा है अब नई दिल्ली की तरफ, जहाँ पे राइट मोड़ रही है। यहाँ से एक रूट हासन के लिए भी कट गया है, जो कोच के उस साइड में था, जो मैं आपको इस बार दिखा नहीं पाया, किसी और वीडियो में दिखाता हूँ। वो हसन अर्चिकेरे पुणे लोनावला होते हुए वो रास्ता सीधा इटारसी भोपाल में मिलता है आके। जैसे ही ट्रेन की कर्विंग पूरी होगी, मेन लाइन पे आते ही ट्रेन अपनी फुल स्पीड पकड़ लेगी, और जहाँ से इसका पहला स्टॉपेज होने वाला है हिंदूपुर। बहुत ही बढ़िया लग रही है कर्विंग के टाइम में ट्रेन, सच में कमाल लग रही है। आप लोगों को कर्विंग कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बैंगलोर धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और हम बैंगलोर से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। जैसी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होगी, मैं आपको फर्स्ट AC का इंटीरियर भी दिखाऊंगा। और कमाल की बात तो यह है कि जिस ट्रेन में मैंने सालों से स्लीपर में यात्रा की है, आज उसी ट्रेन में उसी रूट में फर्स्ट AC में यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है।
यूजुअली ये ट्रेन अपनी लेट लतीफ़ी के लिए काफ़ी बदनाम थी। काफ़ी समय तक ना इसमें ठीक से साफ़ सफाई होती थी, ना ही टिकट मिलती थी, और लोगों को अक्सर शिकायतें रहती थी इसके सर्विसेज से। यहाँ से हैदराबाद तक इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। जो साइड में आप वो लेक देख रहे हैं, आप अगर बैंगलोर कभी आ रहे हैं तो वहाँ ज़रूर जाइए। ये तुंडे भावी, अगर आप बाई रोड अगर स्टेशन पहुँचते हैं तो ये लेक आपको ही पास में ही मिलेगी। इस रूट में बहुत बार स्लीपर में हमने यात्रा की है अपने फ्रेंड्स के साथ, यहाँ से कानपुर लखनऊ गोरखपुर तक की। एक ज़माना था जब यहाँ पर WDM लोकोज हॉल करते थे और ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती थी। यह माँ काली दुर्गा घाट स्टेशन, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है पहाड़ों का। यहाँ से आप बाई रोड भी इस एरिया को देखने आ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग करते मिल जाएंगे। ये कोई ट्रेन हमें क्रॉस कर रही है। अब RCF के दिन तो कैसे भी खत्म होने वाले हैं। कुछ ही समय बाद ये ICF कोचेस भी यादों तक ही सीमित रह जाएंगे। तो अभी हम धीरे से पहुंच रहे हैं अपने पहले स्टॉपेज हिंदूपुर की तरफ। चांद बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ट्रेन हिंदूपुर में अराइव हो रही है और ट्रेन में समय से लगभग आधे घंटे की देरी से चल रही है। ट्रेन अपने समय से आधे घंटे की देरी से हिंदूपुर पहुंच रही है। काफी शांत है, ज्यादा चहल-पहल नहीं है। बहुत ही प्यारा नजारा है। रात में जगमगाते सिग्नल्स और ये जितनी भी स्ट्रीट लाइट या स्टेशन की लाइट, इनको देख के सच में बहुत ही अच्छा लगता है। इस समय ट्रेन है हिंदूपुर रेलवे स्टेशन में। ये हमारा कोच फर्स्ट एसी का। हम आ चुके हैं हिंदूपुर रेलवे स्टेशन में, जहाँ ज्यादा चहल पहल तो नहीं है। कोविड के बाद ट्रेन में यात्रा करने वालों की संख्या में भारी गिरावट तो देखी गई है। वहीं बात करें आज से 10 या 12 या 15 साल पहले, ये ट्रेनें खचाखच भरी रहती थीं। इन कोचेस की मैक्सिमम स्पीड आज भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब समय हो चला है हिंदूपुर से भी डिपार्चर का। हिंदूपुर के बाद अगला बड़ा स्टेशन आने वाला है धर्मवरम। धर्मावरम के बारे में बात करें तो ये एक मीटर गेज स्टेशन रहा है, जिसमें बहुत लंबे समय तक धर्मावरम से तिरुपति के रास्ते काठपाड़ी का रास्ता खुला हुआ था, और पिछले 20 सालों में मीटर गेज के इस रूट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। आपको रात की जर्नी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना ना भूलें। मुझे रात की जर्नी पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसे में शांति रहती है चारों तरफ और सिग्नल्स या जो गाँव बस्ती की जो लाइट है वो पूरी साफ दिखती हैं। ये है फर्स्ट एसी का इंटीरियर, बहुत ही शांत और बहुत ही साफ सुथरा है। तो हम आ पहुंचे हैं धर्मावरम में, जहां ट्रेन अपने समय से लगभग आधे घंटे की पहले ही पहुंच गई है। मतलब ट्रेन यहाँ काफी देर खड़ी रहेगी। जो आप ओपन स्पेस दिख रहा है आप लोगों को राइट साइड में, वहां पे मीटर गेज कोचेस काफी दिन तक एज ए यार्ड में पड़े रहे, तो ये कुछ ऐसा है लुक ट्रेन का। यह धर्मवरम रेलवे स्टेशन। साइड लाइन में कोई ट्रेन आकर खड़ी हुई है, मैं नीचे लिख देता हूँ कौन सी ट्रेन है, पढ़ने तो नहीं आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन अगर आपकी टाइम से पहले ही चल रही है तो ट्रेन को ओवरटेक्स तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो यह ट्रेन डिपार्ट भी हो गई, दोनों चीज़ आपको दिखा दिया, अराइवल और डिपार्चर। साथ ही साथ एक और ट्रेन आ पहुंची,
जब तक ये ट्रेन यहाँ से नहीं जाती तब तक तो कैसे भी हमारी ट्रेन यहाँ से चलने वाली नहीं है। साइड लाइन पर आ रही है बसव एक्सप्रेस। जैसे कि देख ही लिया ट्रेन हमारी लेट चल रही है, हो सकता है कि ट्रेन अभी और थोड़ी देर स्टेशन पर खड़ी रहे। तो ये हम चल पड़े हैं धर्मावरम रेलवे स्टेशन से। तो हम अभी स्किप कर रहे हैं लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से आपने मेरी हम सफर की यात्रा जरूर देखी होगी। लिंगमपल्ली से इंदौर के लिए मैंने इस स्टेशन से यात्रा की थी, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूँ। अब लिंगमपल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है सिकंदराबाद, पर ट्रेन अभी लगभग आधे घंटे की देरी से ही चल रही है। सच में रात की जर्नी और इतनी खूबसूरत लाइट्स दिल को कहीं ना कहीं लुभा जाती हैं। तो इस समय हम पहुंच रहे हैं बेगमपेट रेलवे स्टेशन में, और साइड लाइन पर आप देख ही सकते हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से चलने वाली या इसके आसपास चलने वाली लोकल को, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन का काम करती हैं शहर में। हालांकि अभी हाल ही में मेट्रो भी चला दी गई है हैदराबाद में, मगर लोकल्स का दबदबा आज भी कायम है। कितना सुंदर लग रहा है ये रेलवे स्टेशन जगमगाती रोशनी के साथ। अगर आपको रात की जर्नी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में अपनी एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिए, क्योंकि मुझे तो पर्सनली रात की जर्नीज बहुत ही सुंदर लगती हैं। यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 5:28 से आधे घंटे की देरी से बेगम गेट पहुंच रहे, जहां से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है सिकंदराबाद तक का। तो हम पहुंच रहे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आउटर में, और ये साइड लाइन से कोई ट्रेन हमें क्रॉस कर रही है जो शायद लिंगमपल्ली की तरफ जा रही है। जब पुराने दिनों में मैं इस रूट में ट्रैवल करता था तो सिकंदराबाद से आगे का रूट पूरा डीजल रूट हुआ करता था, और यहाँ से WDM सीरीज के लोकोमोटिव हॉल करते हैं ट्रेन को। पर पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक रूट हो जाने के बाद ट्रेनों की स्पीड में बढ़ोतरी की गई है इस रूट में। बहुत ही सुंदर नजारा है, हल्का नीला आसमान, लाल चमकता हुआ कोचेस और जगमगाती हुई रोशनी। निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से सिकंदराबाद पहुंच रहे हैं। यह है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, जहां गाड़ी लगभग 5 मिनट रुकेगी, और ये काफी चल चुकी है मेट्रो। इसके बनने का काम मेरे सामने ही शुरू हुआ था। यह सिकंदराबाद सिकंदराबाद गोरखपुर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में, वैसे तो आपने मेरी फर्स्ट एसी की जर्नीज देखी है पहले भी, मैंने बैंगलोर राजधानी में और कर्नाटक एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी में ट्रैवल किया था, मगर इस जर्नी को मैं खास मानता हूँ, क्योंकि मैंने शायद इस ट्रेन में अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अकेले ट्रैवल किया है, और ये वो पहली ट्रेन थी जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में अकेले जर्नी की थी। यहाँ से हमारे इस जर्नी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, सेकंड पार्ट में सेवाग्राम का कर्म,
बल्हार शाह भोपाल तक यात्रा हम देखेंगे। यह आ गया सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, जहां ट्रेन अपने टाइम से आधे घंटे की देरी से पहुंच रही है। और ये भीड़ देख के साफ पता चल रहा है कि सारी भीड़ इस ट्रेन में बोर्ड करने वाली है। यहाँ से दूर तरफ आप देख रहे हैं ग्रीन येलो लिवरी में खड़ी है यशवंतपुर सिकंदराबाद गरीब रथ। WAG सीरीज का लोकोमोटिव इसको स्टेशन से शायद यार्ड की तरफ ले जाने के लिए आया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं लेता हूँ इजाज़त, जल्द ही मिलूंगा अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।